इंग्लिश में कहावत है, यू नेवर गो यू नेवर नो। मेरा सिक्किम का भी ट्रैवल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था। एक अनप्लैंड जर्नी गैंगटॉक के आसपास के गांव में, ऐसा ही एक छोटा सा ट्रैवल एक्सपीरियंस था। बट ये ट्रैवल एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ जानने को मिला। जैसे सिक्किम के लोगों से मिलके उनके घर, उनके गांव और उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानना। ऐसा कुछ छोटा सा यहाँ पे पहाड़ है और जो हॉलीवुड मूवी होता है उसमें जैसा पेड़ एड होता है ना, उस तरीके का ही एकदम पूरा जंगल जैसा ही है यहाँ पे। और ऐसे ही पहाड़ के बगल बगल में छोटा छोटा ऐसे घर जैसा है। और उसके साथ साथ जैसे ये बंगाली आंटी के घर पे ब्रेकफास्ट करना। और एक अच्छा बात यह है कि आंटी हमारे पश्चिम बंगाल से है, मतलब हमारे कोथाय बाड़ी तुम्हारे बाड़ी चालसा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है। गरम जल खेना अभी, मैं जल्दी जल्दी खाना खा रहा हूँ, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। और यहाँ का जो चावल है वो भी देख सकते हो, थोड़ा सा मतलब जो हम लोग को वहाँ पे मिलता है उससे भी थोड़ा अलग है ये चावल। चटनी है, हाँ चटनी है, ये टमाटर और तिल और ये सिमरा है बोलता है ना, ये दवा है हम लोग प्रेशर में खाने से ना, प्रेशर जास्ती होने से अच्छा होता है। यहाँ पे ये देखो, ऐसा व्हाइट कलर का नींबू पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, व्हाइट कलर का नींबू है यहाँ पे। और इधर कुछ मिर्ची का अचार वगैरह है। ये क्या बन रहा है? मोमो बन अच्छो है, मोमो सिक्किम में। और कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा घर, एक ही घर है। अंदर है डॉक्टर, रूम अंदर भी जाइए, उधर है रूम, उधर जाइए, उधर देखना है। ये ऐसा कुछ किचन है इधर, ये देखो सिक्किम के घर कुछ ऐसे दिखते हैं। और अभी जा रहा हूँ मैं इसके अंदर। नमस्ते देखो मतलब ऊपर का शेप भी कुछ अलग तरीके का है घर का। और ऐसा कुछ है आसपास में घर, छोटा सा घर। ए यो तो पूछा ना, तो ये पूछने के तिम्रो देख सकते हो, ये क्या घर है, एकदम मैला बना के रखा है। और अभी मैं अपना GoPro लेके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज मैं अपना फोन से ही सारा व्लॉग वगैरह शूट कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ घर होता है, आप मेरे पीछे देख सकते हो सिक्किम में जो घर होता है। और उसके साथ साथ वीडियो पे आगे जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो यार वीडियो को अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ऐसे यहाँ पे इनके घर पे मैं रात को था, जस्ट अंदर आया ही हूँ। और ये किचन है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आज मॉर्निंग से ही पूरा फॉग ऐसा, मतलब फॉगी एरिया है, पूरा फॉग वगैरह है। सामने में इधर से डायरेक्ट कंचनजंगा दिखता है लेकिन अभी फॉग के वजह से नहीं दिख रहा है। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद मैंने सिक्किम में कुछ लोकल दोस्त बना लिए थे, उनके साथ थोड़ा समय बिताया। ये हम अभी यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं, मेरे को लगा अंदर से आप लोग लूडो खेल रहे हो बाहर में। लूडो तो नहीं है,
मशीन से इसका स्प्रे करके काला कर रहा है। अच्छा, ये काला रंग देता है क्या? हाँ, ये काला रंग होता है। ये इसमें बहुत सारा पेंट मिलता है, इसमें लगा दूँ? हाँ, क्या लगा दूँ? नहीं नहीं, इसमें मत लगाओ, फिर पूरा दुनिया काला दिखेगा। ये आपका कलर उठ गया था क्या, उसके वजह से काला कर रहा है? ये ओ ऑरेंज था, ऑरेंज था, अगर इसके साथ मैचिंग कर ले, हमने काला कर दिया। कहाँ नहीं रहा, इस वाले नहीं ये कब तक सूख जाता है, कितना टाइम में सूख जाता है? ये ज्यादा समय नहीं लेता है, अभी घाम सूरज होने से ज्यादा ये वक्त लेता था 15 से 20 मिनट, अभी धूप में ये तो आधा घंटा से ज्यादा लगेगा। और ये उठेगा नहीं? ये उठेगा मगर वैसा इजीली से नहीं निकलेगा ये। यहाँ पे ये भैया का भाई से मिला हूँ, आपका नाम? मेरा नाम पेम्पा। पेम्पा, हिंदी बोले नहीं आता है आपको? मैं, और मैंने गांव वालों से ये भी सुना हूँ कि ये बहुत पेड़ में चढ़ के पबजी खेलता है। और हाँ, वाला वो हिसी करता है। कहाँ पे? वो आगे आपने पानी कहाँ से ले बोलता है ना? हाँ, जू से ले बोलता है ना? हाँ, हिसी करता है। हाँ, गिर जाता है। हमारे हिंदी बोलने थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा समझता है, ज्यादा नहीं समझता हिंदी। समझता है मतलब ये थोड़ा थोड़ा। इधर सिक्किम के गांव पे, इधर आंटी के घर पे आया हूँ। और आंटी के घर पे इधर देखो, आंटी इधर बकरी पालते हैं, यहाँ पे बकरी रखने का जगह है और बकरी खाना खाते इधर। और ये देखो मुर्गी, ये पोल्ट्री मुर्गी है लग रहा है। चलो बाय। ओके बाय, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, चलते चलते। इधर कुत्ता है, दो कुत्ता है। और ये मुर्गी को रखने वाला घर है, ये देख सकते हो, ये मुर्गी को रखने वाला घर है। फिर मैंने 87 ईयर्स के दादाजी के साथ मिला, जिनके साथ मिलके काफी अच्छा लगा, जो अपना जिंदगी नाचना गाना और काफी सारे मजे के साथ बिता रहे थे। देखो मिस्टर चाराली, हम बड़े क्यों क्या रहा, उसको खिलाओ ब्रांडी, खिलाओ मुड़की की कुखे के अंडे, जान मेरी जान, इतने ना। ये 87 ईयर्स का है और काफी बढ़िया डांस करते हैं, अभी भी इनके अंदर वो जोश है डांस करने वाला। उस दिन भी आपने बहुत डांस किया। सब खींच लिया? हाँ, सब खींच लिया डांस करने वाला। अच्छा। उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि आज पूरा दिन मैं उनके साथ घूमूं और सिक्किम का एक व्लॉग बनाऊं उनके साथ मिलके। तो फिर इस तरीके से शुरू हुआ मेरा सिक्किम में एक और दिन और एक और नया व्लॉग। घर बना रहे हो? हम लोग का गिट्टी कूटने है। कितने कितने जिताए बोरा की? 40 40 रुपए। दिन में कितना कितना बोरा? मैंने 10 बोरा। 10 बोरा, 10 बोरे की कितना रुपए होता है? अब 40 ले दो ना, उसका कितना है? 400 400 400 400 एक दिन का रोज से बसा हूं। हां, एक दिन का रोज होता है ना। हां, काम नहीं है क्या करे? अरे ठीक है, आपकी उम्र कितना है? आपकी उम्र कितना है? 53। हाँ, भोटिया है कि लेपचा है? लेपचा है। हाँ, सिक्किम की लेपचा। अच्छा अच्छा अच्छा, घर कहाँ है आपके? मकान? मकान उधर है। उधर है? हाँ हाँ हाँ। ये आदमी मेरे लड़का है ना? ये आदमी मेरे लड़का है भाई। हाँ, बच्चा लोग पे अच्छा आदमी है, गोरा की है, गोरा की लाल वाला है। हाँ, लड़का है कि लड़की है? हाँ, छोरा होगी छोरी हो? हाँ, लड़का है ये। ठीक है ठीक है ठीक है।
कल रात में मैं जहाँ पे था वहाँ से अभी जस्ट निकला ही हूँ, और निकलने के बाद अभी आसपास के जगह में थोड़ा सा घूमने के लिए आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा मतलब टेरेन्स जो है बहुत ऊपर नीचे गोल गोल घूमने वाला है, उस चीज़ के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत इन द सेंस कि क्या बताएं कि ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, और मेरा आज का जो वीडियो है इस पे मेरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक दादाजी हैं, सिक्किम के ही हैं, लोकल यहाँ के, जिनके साथ मेरे को दो तीन दिन पहले मुलाकात हुआ था। तो वो बोले कि ठीक है चलो आज तुमको मैं घुमाता हूँ और तुम मेरे साथ वीडियो बनाते हुए घूम लेना। और फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। नमस्ते बोलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो अभी जस्ट इधर निकला ही हूँ, और यहाँ पे आसपास में एक जंगल कैफे, जंगल कैफे है ना इधर, जंगल कैफे। हाँ, जंगल है। हम लोग जंगल जा रहे हैं क्या? जंगल है, ये सेरेप टंकी। सेरेप टंकी है। चेक पोस्ट। फॉरेस्ट चेक पोस्ट। ये फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, और क्या बोल सकते हैं कि गैंगटोक से जस्ट ऊपर ही है। ज्यादा लोगों को पता नहीं है इधर सेरेप टंकी करके कुछ जगह भी है गैंगटोक के बारे में, जो टूरिस्ट है उनको तो पता नहीं। सेरेप टंकी फॉरेस्ट चेक पोस्ट। फॉरेस्ट चेक पोस्ट कौन सा है? फॉरेस्ट चेक पोस्ट स्टेट, ये फॉरेस्ट चेक पोस्ट है क्या? इधर फॉरेस्ट चेक पोस्ट है यहाँ पे, है ना? ये आप एक बार देख लो इधर, ये जो है यहाँ पे चेक पोस्ट है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं? उधर सीधा। चलिए अभी हम लोग निकल पड़े हैं सिक्किम में अलग अलग जगह घूमने के रास्ते में। यहाँ पे अभी वेदर कभी कुछ बता नहीं सकते, कभी धूप आता है कभी बारिश आता है, कुछ भी नहीं पता होता इधर वेदर का। और यहाँ पे लोकल लोगों से बात करके भी पता चला जब इधर कौवा चिल्लाता है तब बारिश आता है, ऐसा बोला है तब, मतलब ऐसा सच है क्या? कौवा जब चिल्लाता है तब बारिश आता है, ऐसा कुछ मतलब है इधर। और चलो उधर से एक बार घूम के आते हैं अंकल, उधर से एक बार घूम के आते हैं उधर से। है ना मेरे नहीं काटेगा वो, उतना लोग खड़ा है आपको ही क्यों काटेगा? वो डराता है, उससे डरो मत। नहीं कुत्ता काटेगा, कुकुर नहीं काटेगा। अरे नहीं काटेगा कुत्ता। आंटी के दुकान से अभी मैं एक टोपी खरीदने वाला हूँ। नमस्ते आंटी, आपके दुकान में क्या क्या मिलता है? सब मिलता है, क्या चाहिए? टोपी, शॉल है। अच्छा, और वो सब क्या है उधर? मफलर। वो कितने मफलर कितने का है? 150। मफलर भी 150, ये टोपी भी, टोपी भी 150। ये वाला 150। ये वाला टोपी 150 का है? ये 100। ये 100, ये नीचे सिक्किम लिखा हुआ टोपी 100 रुपीज का है। ये कोरियन वाला है। कोरियन वाला? हाँ, ये महंगा आता है। ये महंगा आता है, इसके अंदर हाँ वही थोड़ा गर्मी है ना, गर्मी वाला कपड़ा दिया हुआ है। तो ये अभी मैं एक लेने वाला हूँ इनके पास से 150। आप कैमरा पकड़ो थोड़ा ऐसा करके मैं। हाँ, आंटी के दुकान। इसका और कुछ कलर नहीं है? ये दो है, वो दो है, उससे बढ़िया तो काला वाला ही है। काला अच्छा दिखेगा, काला अच्छा दिखेगा, ठंडा भी नहीं लगेगा इसे, ठीक है ना? तो ये देख सकते हो, ये टोपी मैंने अभी आंटी के दुकान से लिया है, और काफी बढ़िया सा टोपी मेरे को मिला है 150 में। लेकिन अभी क्या है, ठंडा है उसके वजह से ये टोपी इनके दुकान से मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे इसका और भी दो दो कलर था, लेकिन इसको ही ले रहा हूँ। ये नहीं लेना है, यही लेना है, वो लेना है। हाँ, ये जो मफलर देख रहे हो ये मेरे को 150 का पड़ा है। ये सामने पे एक दुकान है, टूरिस्ट वगैरह खड़ा होता है, तो उधर आंटी के साथ बात करके मेरे को लगा कि यार सिक्किम से जा रहे हैं। इधर है अंकल, अंकल इधर है। तो अंकल पैदल पैदल भाग गए थे, हम मफलर खरीदने में रुक गया तो अंकल पैदल पैदल भाग गए थे। तो अभी मैं फिर उतर रहा हूँ और अंकल के साथ। यार पहले पहले आ गया, कोई बात नहीं, हम फिर से आपको पकड़ लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। ये देख सकते हो भैया का गाड़ी पीछे जा रहा है, और इसमें से मेरे को लिफ्ट मिला था। इस तरीके से मैं हिचहाइकिंग करके घूम रहा हूँ सिक्किम में। हाँ अंकल पहले ही भाग गया। ये मफलर अच्छा है? ये मैंने लिया अभी मफलर। हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ना? ठीक है।
थोड़ा सिक्किम का भी कुछ याद रहना चाहिए। ये मेरे को पड़ा 150 का, 150। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे जंगल है और अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब जंगल के अंदर घर और कुछ भी नहीं है। एक रोड है जो नेशनल हाईवे 2 है, नेशनल हाईवे 2 के अंदर से अभी हम लोग ब्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। पुराने नाम बुलबुलिया है, बुलबुलिया है। अभी नया नाम चाहिए, दूसरा नाम है, दूसरा नाम है, वो पूछना पड़ेगा, दोगन पूछना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे आगे जा करके जो जगह है उसका नाम अंकल बता रहे बुलबुलिया है, पहले का नाम, मतलब आगे जा करके जो जगह है ना उसका पहले का नाम बुलबुलिया है, लेकिन अभी जो नया नाम चेंज होके आया है वो नाम पता नहीं है कि अभी का नाम क्या है, लेकिन पहले बुलबुलिया है तो हम भी बुलबुलिया बोलेंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं बुलबुलिया। अभी बन रहा है। हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे? हाँ इधर क्या बन रहा है? जंगल रिसोर्ट बन रहा है, रिसोर्ट होटल बन रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। फॉरेस्ट बन रहा नहीं, जितना गाठ हारू भर्ते होता है ना। हाँ कैनी इधर एक BLO की तरफ से बहुत अच्छा सा वो दिया हुआ है, डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन रोड्स। बहुत सही तरीके का एक मैसेज दिया हुआ है इधर, डोनेट ब्लड मतलब अपना खून डोनेट करो लेकिन रास्ते पे नहीं, मतलब अच्छे से गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट मत करो। अभी हम लोग 10-15 मिनट से ही पैदल चल रहे हैं और अंकल के साथ चलते हुए भी बहुत मजा आ रहा है। ही इज 89 ईयर ओल्ड और काफी ज्यादा एनर्जी है इनमें, काफी अच्छी तरीके से मतलब पैदल चल रहे हैं। एक तरीके से जो गैंगटॉक के बाहर जो विलेज ट्रायल है वहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे हैं। काफी बढ़िया भी लग रहा है ऐसे घूमते हुए, अलग अलग लोगों से मिलते हुए। यहाँ पे कितना दूर है? और ये नजदीक है, नजदीक है। पहुंच इधर ये बोलता है ना, ये फॉरेस्ट सेंचुरी बन रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्रेनिंग सेंचुरी, फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंचुरी इधर ये बन रहा है ना। हाँ हाँ तो इधर से अभी हम लोग सीधा पैदल पैदल जा रहे हैं घूमने के लिए। चलिए ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया। मनिका नमस्ते, जो आईडी नाम पहले तो भूलभुलिया होगी, प्लांट कंजर्वेशन जगह का नाम है, लेकिन अंकल बता रहे पहले का नाम भूलभुलिया है। स्मृति भवन, हाँ इधर इधर लिखा हुआ ये स्मृति भवन। अभी हाँ पहले का नाम ये जगह का भूलभुलिया था, भूलभुलिया। साइन बोर्ड पुलिस से पता लग गया। हाँ साइन बोर्ड से पता लग गया है। इधर हमारा लड़की है। हाँ नमस्ते आंटी, नमस्ते। आप भी कहाँ से? सेलेब टंकी से। अच्छा अच्छा, सेलेब टंकी नहीं, ये क्या बन रहा है? मोमो। ये अभी रोटी बन रहा है, रोटी बन रहा है, रोटी बन रहा है, मोमो है, चाय बन रहा है, सब मतलब आपके आपके पास सब कुछ मिलेगा ब्रेकफास्ट करने वाला मिलेगा। हाँ नमस्ते, इधर है मेरे बुआरी है, लड़का के उद्देश्य है। हाँ छोटा भाई की। अच्छा अच्छा नमस्ते, आप भी सेलेब टंकी से? क्या क्या मिलता है आपके दुकान में? आलू चूरा, आलू भिंडी, सब सब मिलता है, मतलब ब्रेकफास्ट करने का सारा चीज इधर मिलता है। और ये देख सकते हो ये जो जगह है ये गैंगटॉक का 10 points में से एक पॉइंट है, ऐसे बताया जाता है टूरिस्ट लोगों को कि 10 points इन गैंगटॉक, उसमें से एक पॉइंट ये है। इधर घुसने के लिए टिकट लगता है। अब खड़ा हो कि इधर में खींच लो, इधर इधर कपड़ा है ये सब, टोपी है, मंदिर में लगने वाले ये सब। तो
नमस्ते। मतलब गैंगटॉक में जो 10 पॉइंट्स बोलते हैं उनमें से एक पॉइंट ये है स्मृति भवन। तो अंकल बता रहे थे कि इनका बेटी इधर दुकान लगाता है लेकिन आज नहीं लगाया। आज नहीं लगाया। तो ऐसे इधर इसके बाहर भी काफी छोटा छोटा इधर दुकान है जहाँ पे टोपी और सारा चीज कीचेन एंड जितना भी सामान है इधर मिलता है। घंटी है मंदिर में लगाने वाला। ये कुत्ता वाला भी टोपी है, किसी को चाहिए तो ये एक बार आप कैमरा पकड़ सकते हो क्या? इसको पकड़ो। ये देखो मैं रेड पांडा के जैसे होगा। ये देखो आप कैसे बन गए रेड पांडा कैप। रेड पांडा बन गए ना हम लोग। अभी एक्चुअली मैं जहाँ पे आया हूँ इधर अंकल के साथ, ये जगह फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर प्लांट कंजर्वेशन मान सकते हो। और इधर अंकल बता रहे पहले इस जगह का नाम भूल भुलैया का नाम। अच्छा आप बताइए, आप थोड़ा अच्छा से बताइए। हाँ ठीक है, भूल भुलैया पीछे का नाम है, साइन बोर्ड में देखा दिखा है। हाँ स्मृति भवन, स्मृति भवन जगह का नाम है और ये गैंगटॉक का 10 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। और यहाँ पे यहाँ का जो स्पेशल चीज है, यहाँ पे सिक्किम में जो अलग अलग वैरायटी का पेड़ वगैरह मिलता है उसका एक कंजर्वेशन टाइप एक मान सकते हो कि एक गार्डन जैसा बनाया गया है जहाँ पे अलग अलग पेड़ को कंजर्वेशन या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम इधर हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ अंकल किधर जाना है? गार्डन है ना? गार्डन, हाँ गार्डन है। डोंट पिक फ्लावर्स इधर, हाँ डोंट फूल उठाना मना इधर से। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी का फ्लावर वगैरह है और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन जैसा बनाया गया है जहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन और सारा चीज को लेकर काम होता है, ऐसा मान सकते हो कंजर्वेशन गार्डन है यहाँ पे। और ये जो रोड है धीरे धीरे पहाड़ों के रास्ते में ऊंचा नीचा करके एक पूरा गार्डन जैसा बनाया गया है। यहाँ पे साइन बोर्ड भी है कौन सा फूल है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, सारा चीज इधर दिया हुआ है यहाँ पे। ये आइबिस डेंटसा गोरबे साला क्या नाम है इसका, थोड़ा थोड़ा ही घूमेंगे ठीक है अंकल, थोड़ा थोड़ा ये जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं अंकल के साथ। बहुत अच्छा जगह है, अच्छा जगह है। पहले यहाँ का नाम भूलभुलैया था, भूलभुलैया। इधर पहले भूत वाला कुछ था क्या जिसके वजह से इसका नाम भूलभुलैया था? इधर टिकट नहीं लाता था। अच्छा अच्छा, अब ये टिकट लग गया। पहले यहाँ पे टिकट नहीं लगता था, अभी इधर टिकट लग रहा है। गार्डन के अंदर घूमना है ना? हाँ गार्डन है, ये गार्डन है। हाँ इधर गार्डन है। हाँ किला का होगा। यहाँ पे इधर घूम के ऊपर जाना पड़ेगा। किधर से ऊपर जाना पड़ेगा? ना उधर है ना। हाँ इधर घूम के, हाँ ऊपर जाना पड़ेगा ठीक है। उधर पानी है ना, पानी। हाँ ऊपर से फॉल्स, ऊपर से वाटरफॉल ठीक है। चलो यहाँ पे शायद मेन जगह है, सामने जो पॉली हाउस जैसा बनाया गया है इधर ही मेन फ्लावर कंजर्वेशन का काम होता है, फूल का ये देख सकते हो। यहाँ पे क्या क्या वैरायटी का पेड़ है वो अभी दिया हुआ है। ये अप्रैल फूल ये देखो सब चीज।
यहाँ पे अलग अलग तरीके का फूल का पेड़ है और यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज, बहुत सारा वैरायटी है, बहुत अलग अलग तरीके का, एक बार देख सकते हो। ये देखो ये सिक्किम का नेशनल फ्लावर है क्या? सिक्किम का नेशनल अच्छा होता है। क्या नाम है इस फूल का? इसको ऑर्किड बोलता है इधर, ऑर्किड नेपाल में, ऑर्किड बोलते हैं नेपाल में, ऑर्किड बोलते हैं। हाँ, ऑर्किड बोलते ऊपर वाले। हाँ, ये हिमालय के पहाड़ में होता है ये फूल, इधर में लेके इसको बनाया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम पदम, पदम चंद। अच्छा, अरसों बाद मिला हूं रकीब से तो जल उठा है महबूब मेरा, बड़ी सादगी से करता है इजहार मोहब्बत जब भी करता है महबूब मेरा। अब जिस्म की तलब नहीं जो रखूं रकीब से वास्ता, तलब उस दिल की है जिससे लगा लिया है दिल। जिस्म तो तवायफ है दिलों की सौदेबाजी में, वो जो अधूरी सी बात सुनकर, वो जो अधूरी सी याद महसूस कर खामोश है, इतना खामोश नहीं कि दब जाए रकीब के शोर से, बड़ी खामोशी से करता है गुफ्तगु जब भी करता है महबूब मेरा, बड़ी सादगी से करता है इजहार मोहब्बत जब भी करता है महबूब मेरा। भैया ऊपर चलना है ना, ऊपर से भी पहाड़ी इलाके से भी पानी नीचे गिर रहा है, झरना जैसा उधर में अच्छा दिख रहा है। कितना ऊपर है? नजदीक है, नजदीक है। हाँ, यहाँ पे जो फ्लावर कंजर्वेशन वाला जगह था, मतलब जहाँ पे पूरा पॉली हाउस जैसा बना करके फ्लावर कंजर्वेशन वगैरह किया गया, वहाँ पे हम लोगों ने भी घूम लिया है। और यहाँ पे आगे जा करके एक जगह है जहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ऊपर में झरना है, झरना है ऊपर में झरना है, तो अंकल मेरे को अभी वहाँ पे लेके जा रहे हैं झरना में। ये देख सकते हैं अंकल लेके जा रहे हैं मेरे को उधर झरना में। वीडियो के बीच में थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आप कौन सा गियर लेके मतलब वीडियो वगैरह बनाते हो, तो अभी मेरे पास जो कैमरा और इक्विपमेंट लेके मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, ये DJI का ओस्मो मोबाइल 3 है और उसके साथ मेरा जो फ़ोन है पोको X2 है। अभी मैं अपना करंटली GoPro यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे है मेरे पास GoPro लेकिन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्या बोले, एक पैदल पैदल घूमने के बाद वी आर गोइंग टू रीच इन वाटरफॉल जो स्मृति भवन का बहुत ऊपर में है और यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से वाटरफॉल को दिखता भी है। तो अभी अंकल के साथ इधर पहुँचे हैं वाटरफॉल में। अंकल कैसा लग रहा है इधर आके? हाँ, कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, इधर ही शूटिंग कर रहा है ना पहले? हाँ, पहले इधर ही करेगा। हाँ, और इसी के साथ ख़त्म करते हैं मेरा इस ब्लॉग को और मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में।